कीरतपुर नेरचौक फोर लेन निर्माण कार्य के दौरान ग्रामीण रास्तों को बंद करने के खिलाफ बिलासपुर सदर के कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने एनएचएआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने पूर्व विधायक की अगुवाई में मुख्य बाजार से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। बिलासपुर के माल्यावर पंचायत के पालसोला संपर्क मार्ग को फोरलेन निर्माण कार्य के चलते बंद कर दिया गया है, जिससे परेशान होकर स्थानीय ग्रामीणों ने पूर्व विधायक बंबर ठाकुर की अगुवाई में मुख्य बाजार से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकालकर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने जल्द ही ग्रामीण सड़क को बहाल करने के लिए उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि फोरलेन निर्माण कार्य से जहां प्रदेश का विकास तो होगा, मगर एनएचएआई द्वारा ग्रामीण सड़कों को बंद करना सरासर गलत है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमने फोरलेन कंपनी ग्रामीण और एनएचआई के खिलाफ डीसी ऑफिस में धरना दिया है, क्योंकि इस कंपनी ने अभी तक लोगों की जमीन जो धंस रही है, जो स्लाइड हुई है बरसात के अंदर, चार सालों से लोग अपनी ज़मीन में नहीं जा पा रहे हैं और मकानों को बड़ी बड़ी दरारें आ गई, उस पर कोई गौर नहीं किया। और टीरा हरिजन बस्ती की सड़क जो वाहन योग्य थी, जिसमें लोड गाड़ियां जाती थी, उस सड़क को जो है बहाल नहीं किया जा रहा है, उसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है। अमर सिंह पुरा की सड़क की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। पलसोड़ा की सड़क बंद हो गई है, उसके लिए हम यहाँ डिप्टी कमिश्नर महोदय से मिले थे। इन्होंने आदेश किया था एनएचआई को, गाबर को, कि उस रोड को बहाल रखा जाए, लेकिन ये प्रशासन की बात भी नहीं सुन रहे हैं एनएचआई वाले। प्रशासन ने लिख करके दिया है कि करीब 400 बीघा जमीन लोगों की पलसोड़ा क्षेत्र में पड़ती है, बटोली बया सनोटी के लोगों की, उनकी आवाजाही बंद हो गई। ये को पंजाब थोड़ी भी है कि आप दो किलोमीटर के दूर से क्षेत्र से भी मुड़ के आ जाएंगे। वहाँ पे हमने कहा था यू टर्न रखी है, वहाँ यू टर्न नहीं रखा। रोहिण, हरलोग, कुंभजवाड़, बलचुराणी, हवान, तलियाणा और बलद्वाड़ा सरका घाट तक की जितनी ट्रैफिक थी और रोहिण की तरफ को आती है, वहाँ पर यू टर्न नहीं रखा हुआ, वो उन लोगों को 3-4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ऐसा ही पनोह के पास है, ऐसा ही और में। तो ये कंपनी जो है एक भी काम जो है नहीं कर पा रही है। लोगों के रास्ते बंद हो गए, शमशान घाट के रास्ते बंद हो गए। रोजगार के नाम पे जो है सारे लोग हरियाणा और पंजाब के लिए आए हैं, रोजगार के नाम पे किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हमारी ज़मीन से सड़क जारी है और सड़क के ऊपर जो है सहूलियत के नाम से फोर लेन जो है सहूलियत के लिए बन रहा है, तो सहूलियत के नाम से लोगों को परेशानी पैदा की जाए तो ये जो है कंपनी की तानाशाही है, सरकार की तानाशाही है। और इस तानाशाही के आगे भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर के तमाम एमएलए जो है वो बौने पड़ गए हैं, वो चुप बैठे हैं। क्या अंदर से लेन देन हुआ है इस बात का पता नहीं है, लेकिन ऐसी जब ये धींगा मस्ती चल रही है और एनएचआई लोगों को सहूलियत के नाम पे समस्याएं पैदा कर रही है, तो इसके खिलाफ हमने आज आवाज़ उठाई है। अब वो डिप्टी कमिश्नर महोदय के पास एनएचआई के लोग जो है कई बार मीटिंग कर चुके, कई बार प्रशासन ने इनको आदेश किया है, लेकिन ये आदेश नहीं मानते हैं। तो आज हमें मजबूरन यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा है। और अभी हम ये भी आगाह करना चाहते हैं सरकार को, एनएचआई को, कि यदि आपने 7 दिनों के अंदर पीड़ित लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, रास्ते बहाल नहीं किए, सड़कें बहाल नहीं की, और जो समस्याएं लोगों को पैदा आपने करी हैं उनके पानी के स्रोत खत्म कर दिए, तो मैं ये स्पष्ट बताना चाहूँगा कि 7 दिनों के बाद हम फोर लेन के अंदर जहाँ जहाँ इन्होंने लोगों को समस्याएं पैदा करी हैं वहाँ वहाँ इनका काम बंद कराया जाएगा। मजबूरन हमें काम रोकना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि फोर लेन बने। माननीय मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के समय में, पार्टी के समय में ये रोड बनना शुरू हुआ है, लेकिन आज भी सड़क के ऊपर जो है लिपा पोती हो रही है और किसी का कोई एक भी डंगा इस कंपनी ने आज तक नहीं लगाया। और अवैध खनन कर रही है, पूछने वाला कोई नहीं है। माइनिंग डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है? पुलिस के अधिकारी जो है वो बाइक वालों के चलान कर रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये के, 7-7 हज़ार रुपये के, लेकिन 40-40 टन की
जो है ओवरलोडिंग जो है हमारे लिंक रोडों पे हो रही है, मल्यावर से लेकर के अपने बड़ों से लेकर के और इधर पनोह तक का जो जितना लिंक रोड था सारे लिंक रोड इन्होंने तोड़ दिया। मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी जानना चाहूँगा कि आप कहाँ सोए हो, आपके रोड को तोड़ दिया आपने, लिख करके क्यों नहीं दिया? आप कंपनी को लिख करके दें कि हमारा रोड तोड़ा इसको मेंटेन करिए। आप फोर लेन बढ़ा रहे हैं, लिंक रोड हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें धूल हमारे लोग खा रहे हैं, समस्याएं हमारे लोगों को हो रही हैं, लेकिन उन रोडों को मेंटेन करने का काम भी आपका है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आज हम इस मुद्दे को लेकर के धरने पर बैठे हैं और ज़रूरत पड़ी यदि ये सोई हुई सरकार, ये सोई हुई कंपनी यदि नहीं जागी और ये मिली भक्त जो है सरकार की और कंपनी की यदि ये जारी रही तो हम सड़कों के ऊपर इनके काम को रोकने के लिए बाध्य होंगे। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।